डेमरे इनका स्वागत करने के लिए अरुण जी बढ़ गए। अरुण जी बढ़ गया है, मनोज जी का स्वागत करें। इसी तारतम्य में हमारे कुपेंद्र जी रांगडाले, कुपेंद्र जी का रांगडाले के लिए दिलीप बड़े में। और आप सभी मंच पर पधारे हमारे कलाकारगण, अतिथि महोदय, आप सभी की बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बनवारी सेठ की नमस्कार। भाऊ कैसे होगा कि ये जनता है, ये मेरे युवा है, मैं इनके लिए जीता और मरता हूं। ये जनता है, ये युवा है, मैं इनके लिए जीता और मरता हूं। और मेरी पूरी टीम की तरह से मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसा लगा? अपना वाला सब मामला अच्छा से लगता है। उसका कारण सिर्फ ये है, आज मैं जिस समय पे आपके बीच में पहुंचा हूं, मेरा यहां का कार्यक्रम कोई निर्धारित नहीं था, लेकिन हम सब की जान सज्जू भाई जान का मुझे फोन आ गया। सज्जू भाई हमको आगे बुला के खुद पीछे चले गए, ऐसा थोड़ा ना होता है। ऐसे में मामला फंस सकता है, मामला फंस जाएगा ना। सज्जू भैया का फोन आया, मेरे छोटे भाई चारू का फोन आया कि देव भैया आज आप लिंग मारा आ रहे हैं, हमको सुनने मिला है। तो बोले अगर हो सके तो 10 मिनट के लिए छाली वाला आ जाओ। अरे मैंने कहा जो अपनों और परायों के बीच में जहां पर कभी नहीं जमता अखाड़ा है, उसका नाम छाली वाला है। हम सबको हंसाएंगे और आज झालीवाड़ा में आके मामला फंसाएंगे। तो मैंने अपने सज्जू भैया का जो निवेदन था उसको स्वीकार किया। उसके बाद आदरणीय मेरे बड़े भैया मनोज टेमरे जी, उनसे आज उनके साथ में हमें लिंग मारा जाना था। तो मैंने बोला आदरणीय मनोज भैया आपके गांव में मैं आ रहा हूं और हमारा पहले से लिंग मारा का कार्यक्रम तय है। तो मैंने कहा आदरणीय हमारे मनोज भैया के साथ भी आज घर में दो बट मामला फंसा लेते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आदरणीय मेरे मनोज भैया के लिए। हमेशा से मुझे मनोज भैया का सहयोग मिला है और अब आता हूं काम की बात में। आज मैं अपने घर से 2 बजे निकला हूं। कितने बजे? तो भाऊ मेरा पहला कार्यक्रम, मैं पहले गोंगले ही गया था। एक बार खड़े हो जाओ मेरे गुलशन भैया, एक बार ताली हो जाए गुलशन भाई के लिए। आपने गाना सुने थे फुंदो मेरी डार्लिंग, ये बैठे उसको बनाने वाले गुलशन पवार। एक बार तालियां सभी की। मेरा भी गाना आया था गणपति गजानन तेरा लाल आ गया है, उसको बजाने वाले भी हमारे गुलशन भैया है। तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ में आज मंच शेयर कर रहा हूं, मुझे बहुत खुशी है। तो मैं गोगलई, मैं माजापुर गया, उसके बाद कनकी गया और उसके बाद में झालीवाड़ा, उसके बाद में लिंग मारा जा रहा हूं मैं। अब पूछो काय को जा रहा हूं, काय को जा रहा हूं, बताओ ना मामले को। क्योंकि विधानसभा चुनाव तो गया लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। कौन सी वाली पिक्चर? लोकसभा की। एक बात आपसे कहने आया हूं, आज तक आपने हमारे बूढ़े दादाओं को चुना जो कभी आपके गांव में पलट कर नहीं देखे। एक बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, युवा लाओ क्षेत्र को बचाओ और मामले को। तो मैं यहां पे मामले को फंसाने के लिए आया हूं। एक बात और आपसे, जितने मेरे युवा साथी हैं, हम जो हैं हिंदुस्तान की ताकत है, अपने गांव की ताकत है। सही बोल रहा हूं मैं? क्या हमारा युवा सिर्फ वोट देने पैदा हुआ है? नहीं, युवा अगर वोट दे सकता है तो अगर उसमें हिम्मत है तो वोट ले भी सकता है ना बाबू। तो मैं आपके बीच में आया हूं और हर जगह पर जा रहा हूं। मैं कहीं जाने के पैसे नहीं लेता, ना किसी को पैसे। मेरे पास हैज के तो दूंगा, मेरे पास एक ठन चीज है, वो है मेरा प्यार और मेरे पास बांगा है। बांगा कैसा लगता है? अबू बो काका
मजा आता है कि नहीं का? और आपको बांगा का सम्मान इसलिए करना चाहिए कि बांगा आपके वाराणसी का रेल मंत्री भी है। टॉय ट्रेन कैसा लगा हमारा रेल मंत्री? दुनिया चुनाव लड़के मंत्री बनते हैं, हमारा बांगा ऐसे ही मंत्री बन गया है। और बांगा को भी मैं आपके बीच में लेके आऊंगा, मेरा बालचंद भी यहाँ पर आया है। पिछली बार बालचंद ने मान मानी डांस किया था, होगा राउंडाड़ा मचा दिया था। ये है हमारे बालचंद काका जी, जो कि बनवारी सेठ के यानी कि मेरे दोस्त जिगरी दोस्त, मेरे साथ में बीड़ी पीता है, होगा बंदरी बीड़ी। आबो बो काका, कैसा रे बेटा, क्या मनमानी भीड़ आई है गा? तेरे चाहने वाले हैं रे, गपा गप भीड़ आ गई काका, ऐसा ना? हाँ, तो एक बार गपा गप ताली बजाओ और हम यहाँ से चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जितने मेरे युवा साथी हैं, आज आपके बीच में आपका भाई देव कुमार आया, आपने प्यार दिया है। अगली बार मैं आऊंगा, अपना आशीर्वाद भी देना। बहुत बहुत धन्यवाद, जय माता की।